Welcome friends, welcome to Master Class for 2K PU Italian. जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 2K PU Clear पहले से मौजूद है, जैसे कि 2K PU Sealer, 2K PU Clear Gloss and 2K PU Matte. अब हम लेके आए हैं 2K PU Italian White, जिसमें आपको मिलेगा Italian White Top Coats जो 4:1 में है, इटालियन व्हाइट सीलर जो 9:1 में है और इटालियन ग्रे प्राइमर वो भी 9:1 में है। तो फ्रेंड्स 2KPU इटालियन व्हाइट के साथ अब हमारी 2KPU की रेंज कंप्लीट हो रही है। पिछले कुछ सालों से क्लियर पीयू के साथ कलर पीयू और उसमें भी ज्यादातर व्हाइट की डिमांड खूब रही है, जो ना होने की वजह से हमें काफी बिजनेस लॉस सहन करना पड़ा था। प्रोडक्ट की फीचर्स की बात करें तो हाई सॉलिड मतलब लेस नंबर ऑफ कोट्स रिक्वायर्ड, मतलब कम मटेरियल की खपत और लेबर खर्च में भी बचत, साथ ही ये सूखने में भी फास्ट है, 2 घंटे में आप बढ़िया ही आसानी से सेंडिंग कर सकते हैं, मतलब ये समय की भी अच्छी बचत करेगा और आप साइट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। फ्रेंड्स इसमें व्हाइट सीलर 9:1 में और टॉप कोट्स जैसे व्हाइट ग्लॉस 4:1 में और व्हाइट साटिन मैट 4:1 में और यूनिवर्सल पीयू ग्रे प्राइमर 9:1 में अवेलेबल है। जल्दी आपको मेटालिक सिल्वर भी मिलेगा जो बाकी टॉप कोट्स की तरह 4:1 में आएगा। फ्रेंड्स ये सब प्रोडक्ट आपको लीटर में अवेलेबल है, मतलब अधिकतम मटेरियल, जैसे 1 लीटर व्हाइट सीलर मतलब लगभग 1.5 किलो मटेरियल, यही तो वजह है जो ये कवरेज अच्छी देता है। यूनिवर्सल पीयू ग्रे प्राइमर, यह एक पीयू जिंक फॉस्फेट प्राइमर है। यह ऑल पर्पस प्राइमर है जो कहीं भी किसी भी सरफेस पे काम करेगा, चाहे ये इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, एमडीएफ, एचडीएफ, एचडीएमआर, प्लाई हो या एमएस, एसएस, जीआई या एल्यूमिनियम जैसे मेटल सरफेस हो। इसमें जिंक फॉस्फेट होने की वजह से इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है, साथ में ही एक्रेलिक, प्लास्टिक, फाइबर बोर्ड, सीमेंट बोर्ड या फिर फाइबर सीमेंट जैसे कंपोजिट बोर्ड पे भी इसकी पकड़ बेजोड़ है। ये सभी प्रोडक्ट 1 लीटर और 4 लीटर में किफायती दाम पे अवेलेबल है। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। सरफेस प्रिपरेशन के लिए लकड़े को हम 100 नंबर से सेंड करेंगे और यदि वीनियर है तो 150 नंबर से सेंड करेंगे। यदि जरूरत लगे तो स्टेन के लिए वंडरवुड वुड स्टेन या एक्रोमिक्स यूज कर सकते हैं। सेंडिंग के बाद हम एक कोट इंसुलेटर यानी इपॉक्सी लगाएंगे, फिर लकड़ी में जो खील इत्यादि के खड्डे होते हैं उसको हम वंडरवुड वुड फिलर को लकड़ी के कलर से मैच करके भरेंगे और फिर सेंडिंग करके हम फिर एक कोट और इंसुलेटर यानी इपॉक्सी लगाएंगे। व्हाइट ग्लॉस के लिए पहला कोट व्हाइट सीलर, उसको 4-5 घंटे सूखने देने के बाद 220-320 से सेंडिंग करोगे, फिर दूसरा व्हाइट सीलर का कोट लगाओगे, उसको 4-5 घंटे सूखने के बाद 320-400 से सेंडिंग करोगे, फिर पहला कोट व्हाइट ग्लॉस का लगाओगे जिसको 4-5 घंटे सूखने के बाद 400-600 नंबर से सेंडिंग करोगे और व्हाइट पीयू ग्लॉस का फाइनल कोट लगाओगे। सेम इसी तरह व्हाइट मैट के लिए आपको 2 कोट व्हाइट सीलर लगाने हैं, फर्स्ट कोट के बाद 220-320 का सेंडिंग और सेकेंड कोट के बाद 320-400 का सेंडिंग, फिर आप व्हाइट पीयू मैट का पहला कोट लगाओगे, उसको 4-5 घंटे सूखने के बाद 400 नंबर का सेंडिंग करोगे और व्हाइट पीयू मैट का फाइनल कोट लगाओगे। यह रेंज में मिलने वाले कंपटीशन के प्रोडक्ट है एशियन का पीयू पैलेट, निप्पॉन का रेडिएंट और बर्जर का रेनबो। थैंक यू, धन्यवाद।